नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वे टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राजौरी चकली गांव में हुआ एक हादसा जिसमें अपनी ही बहन ने अपनी बाई को मरवाया। आप इस वीडियो को देखें। हेलो यार, मेरे भैया नहीं मान रहे तो हमारी शादी नहीं हो सकती, वो हमारे खिलाफ है, तो आज के बाद हमारा रिलेशन खत्म। यार तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, हमारा 1.5 साल का रिलेशन चल रहा है और तुम अब बोल रहे हो कि मेरा भाई नहीं मान रहा, भाई की वजह से तुम मेरा रिलेशन तोड़ने लगे हो। यार एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे भाई को ही रास्ते से हटा देते हैं। भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, वो मेरा भाई है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। यार ये तुम्हारे भाई की वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर देखो हम तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देंगे और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी दे देगी और इसी बहाने हम बाकी शादी भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खून किस नहीं किया। यार अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी सही सलामत हो जाए ना, तो तुम मुझे 10 मिनट तक मैसेज करके बता देना कि क्या करना है, बाकी किसी क्या करना है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मैं सोच के बताती हूँ। क्या मैंने सोच लिया, मैं रात को 12 बजे कॉल करूंगी, तो भैया जब सो जाएंगे तो उनके खाने में कुछ मिला दूंगी। अरे रात को 12 बजे के बाद मैं, ठीक है फिर मैं एक लड़कियों को लेके आऊंगा, तो 12 बजे के बाद दरवाज़ा बिल्कुल भी बंद मत रखना, दरवाज़ा बिल्कुल खोल के रखना, और रात को 12 बजे के बाद तेरा भाई तेरे को नहीं मिलेगा। हेलो, मेरे भैया के खाने में कुछ मिला दिया, जब वो गहरी नींद में हुए तो मैं कॉल करूंगी। ये हुई ना बात, अब सिर्फ मुझे रात का इंतजार है। जैसे कि आज रक्षाबंधन का शुभ त्योहार है, इस त्योहार में ये होता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और लेकिन इस बहन ने ये तक नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी कलाई को गवा रही हूँ, लेकिन उसे आज एहसास तो ज़रूर हो रहा होगा, चाहे वो जेल में है लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर हो रहा होगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान
निशान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। मानवान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे जो मन करे सो वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हमें पता नहीं हमारे कमरे में कूलर लगा हुआ था, हमें आवाज नहीं आई, तो जब आवाज आई तो हमने चिल्लाया, लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए, मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए, तो तब तक देखा भाग गए, फिर हम बाहर जाके आवाजें शिवाजें लगाई तो कोई नहीं था, पता नहीं अंधेरा था, लाइटें सारी बंद थी। हाँ शोर नहीं, पता नहीं किसकी आवाज आई, भैया की आवाज नहीं आई हमें, पता नहीं किसकी आवाज थी। हम उस कमरे में गए नहीं, हमें पता था इधर था कोई, आवाज आई थी ना, दरवाजा खुला हुआ था, तो हम दौड़ते दौड़ते लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए, मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए, तो तब तक देखा भाग गए, फिर हम बाहर जाके आवाजें शिवाजें लगाई तो कोई नहीं था, पता नहीं अंधेरा था, लाइटें सारी। जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला, रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। लेकिन जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर वन, उसमें प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बच्चन लाल, आरू चकली। अक्यूज नंबर टू, राजन शर्मा, रेजिडेंट ऑफ चिंगस। अक्यूज नंबर थ्री, रेजिडेंट ऑफ संगपुर, जिसका नाम अभी विधेल्ड है, जबकि जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए, बिकॉज देर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल। इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट, वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर वन प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर टू राजन शर्मा, ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन एक साल से। यार तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, हमारा डेढ़ साल का रिलेशन चल रहा है और तुम अब बोल रहे हो कि मेरा भाई नहीं मान रहा, भाई की वजह से तुम मेरा रिलेशन तोड़ने लगे हो। यार एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे भाई को ही रास्ते से हटा देते हैं। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज है, जो कि भाई है अक्यूज नंबर वन का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्स। तो जैसे कि आपने सीआईडी क्राइम पेट्रोल में बहुत से सीरियल में देखा होगा कि कैसे बहन अपने भाई को मरवा देती, लेकिन राजौरी चकली गांव में हुआ एक असली हादसा जिसमें अपनी बहन ने ही अपने प्यार के लिए अपने भाई को मरवा दिया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैप्पी रक्षाबंधन।